सरोकार। ईडी ने झारखंड पुलिस को भेजा समन। झारखंड सरकार ने कहा जांच एजेंसी कर रही अधिकारियों का दुरुपयोग। आतंकवाद के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई जारी। कोयंबटूर बम विस्फोट सहित 497 मामले दर्ज। औरैया के नवोदय विद्यालय में हुआ युवा संसद कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि ऋषि पांडे भी हुए शामिल। कुशीनगर में पर्यटन थाना का हुआ उद्घाटन। विधायक और जिलाधिकारी भी रहे मौजूद। अलीगढ़ में बीजेपी के पूर्व मेयर ने गौरक्षकों को बताया गौ तस्कर। 3 संगठनों ने किया विरोध। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अर्जेंटीना चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ एशिया पैसिफिक के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बता दें कि अर्जेंटीना से खाद उत्पादों कृषि आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलने की बात कही जा रही है। साथ ही डिप्टी सीएम ने उद्यमियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी न्योता दिया है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज लॉरिएट हैड कम टू अर्जेंटीना। वो पेरू जाते समय वो यहाँ बीमार पड़े थे और कुछ समय के लिए वो चिकित्सीय व्यवस्था के लिए यहाँ रुके थे। He fell ill when he was traveling to Peru and for medical treatment he stayed in Buenos Aires for 2 months। उसी दौरान उनकी मुलाकात अर्जेंटीना की लेखिका विक्टोरिया ओकाम्पो जी से हुई थी। औरैया के तयापुर नवोदय विद्यालय में युवा संसद कार्यक्रम में छात्रों ने लोकतांत्रिक प्रणाली का बेहद खूबसूरत से प्ले रोल किया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि ऋषि पांडे ने सरस्वती प्रतिमा का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं युवा संसद ने बच्चों ने देश के मंत्रियों का किरदार अदा कर विभिन्न मुद्दों पर सदन में चर्चा की। बता दें कि यह 24वें युवा संसद का कार्यक्रम है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रांगण में सभी छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आज इस कार्यक्रम में युवा संसद का नवोदय विद्यालय के प्रसन्न हो रहा है, उसमें बच्चों को अपनी उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और यहां के प्रिंसिपल सर और जो अन्य स्टाफ भी है उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस तरीके के मोटिवेशनल प्रोग्राम समय समय पर होने चाहिए ताकि समाज में एक जागरूकता फैले और इस तरीके की कार्यक्रम से लोग जागरूक हों और बच्चों में एक उत्साह उत्पन्न हो ताकि वो आगे आने वाले समय में अपने भविष्य में एक नए भारत के निर्माण में वो सहायक हो। रायबरेली की सदर नगर पालिका के वार्ड 7 में सड़क के दोनों तरफ नाली का निर्माण कराया जा रहा है। तो वहीं नाली निर्माण में जमकर धांधली की जा रही है, जबकि नाली का निर्माण खुद वार्ड के सभासद करा रहे हैं। तो वहीं आम लोगों में निर्माण में खपलेबाजी को लेकर आक्रोश बना हुआ है। यही रहता हूं, सामने घर है, आगे चौराहे तक रोड बन रहा है और इसमें जो है आपकी फोटो खींच ले, देख लीजिए क्या स्थिति है कि 14 का मसाला लग रहा है। ऐसा अभी से जब बिखर गया तो आगे क्या चलेगा। अब ठेकेदार पता ही नहीं चल रहा कौन है, ये बता रहे हैं कि अजीत मौर्य का है, वो कह रहे हैं इनका है, ये बता रहे हैं उनका है, मैं यही नहीं पता कौन ठेकेदार है। जिनका भी फोटो आपने खींचा है जी, ये कह रहे हैं हमारा ठेका है उनका है, वो कह रहे हैं इनका है, ये मैं पता ही नहीं चल रहा है। अब ये अभी बता रहे हैं अजीत मौर्य बनवा रहे हैं, जो माल देते वो मैं लगा रहा हूँ, बताते हैं 3-1-4-1 मसाला लगा रहा हूँ, इसकी जांच कराई जाए। 3-1 है कि 14-1 है, सामने आ जाएगा।
होता है जी। क्या समस्या आ गई है? समस्या ये है, ये ठेकेदार यहाँ मसाला लगवा रहे थे। कौन ठेकेदार है? कौन है ठेकेदार? लेबर मिस्त्री कहीं हमसे जैसा मसाला कहा जाएगा मैं वैसा लगाऊंगा। कितने का मसाला लग रहा है? मसाला कितने का बताया कि मैं जो है 6 एक का मसाला मैं यहाँ पे लगवा रहा हूँ। अच्छा, सारा यहाँ पे टूटा हुआ है, कूदते तक निकलने पैर रख रहा टूट रहा। अब तक आपने कहीं शिकायत किया किसी से? हमने कोई शिकायत नहीं किया, मैं ठेकेदार। भैया क्या नाम है आपका? राहुल मिश्रा नाम है मेरा जी। क्या समस्या आ गया है? ये समस्या ये है, दरअसल इस रोड का टेंडर हुआ था हमारे जी। सभासद महोदय पर इसका टेंडर है, जैसा यहाँ ठेकेदार ये रोड बनी है आप देख लीजिए, अभी 3 दिन पहले तो मसाला लगाया गया था, पूरा टूट रही है रोड, पूरा नाली टूट गई है। 14 एक तो बताइए, वो ठेकेदार कह रहा है कि सभासद महोदय का ऑर्डर है 14 एक का मसाला लगाना है, बताइए नाली में 14 एक मसाला लगता है कहीं? ये कहाँ का मामला है? ये जगदीशपुरम का मामला है। संभल में तेज रफ्तार 2 बाइकों की भिड़ंत में 1 की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला थाना धानारी क्षेत्र के पाठकपुर लिंक रोड का है। रायबरेली के लिए रवना मजरे जिहवा गांव में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि आग लगने के बाद मौके पर ग्रामीण इकट्ठे हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया तो वहीं परिवार वालों ने बताया कि लगभग 60,000 का नुकसान हुआ है। आग लग गई साहब। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? 50-60 का जरूर नुकसान ही तो सब मिला करके। कौन कौन यहाँ आया था? उनका पता नहीं कौन कौन आया। आप किसी को सूचना दिए? हाँ, पुलिस से। चलिए, आग लग गई। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग हमारे अंदाज 40-50 हज़ार का नुकसान हुआ होगा, 2 मकानों में जाकर। मौके पर कौन कौन आया है? मौके पर फायर ब्रिगेड वाले आए और लेखपाल साहब आए, तहसीलदार साहब आए और पुलिस विभाग भी आया। क्या आश्वासन दिए? आग बुझवाए और बोला कि जो इसमें नुकसान हो जलाया जाएगा। प्रतापगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार 2 युवकों पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने दोनों युवकों को लाठी डंडे से पीट कर लहूलुहान कर दिया तो वहीं दोनों युवक अस्पताल में भर्ती हैं। परिवार वालों के मुताबिक रंजिश के चलते पड़ोसी गांव के दबंगों ने युवक पर हमला कर दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पूरा मामला देहलुपुर थाना इलाके के खरवई गाँव का है। खबर कुशीनगर जनपद से है, जहां पर्यटन थाने का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कसिया विधायक और जिला अधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक ने फीता काट कर थाने का उद्घाटन किया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि बुद्ध स्थली कुशीनगर देश दुनिया के पर्यटन स्थलों में प्रसिद्ध है। यहां हर साल बड़ी संख्या में देशी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि थाना पर्यटकों की समस्याओं को समझकर उनका निराकरण करने पर आधारित थाना होगा। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मकान मालिक ने रुपयों के खातिर किराएदार की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मृतक अंकित के टुकड़े करके मुराद नगर नहर में अलग अलग जगह पर फेंक दिया तो वहीं पुलिस पूछताछ में सामने आया कि उसने पहले अंकित का गला घोटकर हत्या की, फिर लाश के टुकड़े कर दिए। उमेश और उसकी पत्नी समेत पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक अंकित की बॉडी नहीं मिली है। देखिए, पिछले 2 माह से हमारा एक साथी अंकित जो PhD कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी से और यहाँ किराए पर रहता था मोदी नगर में, उमेश नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके यहाँ वो किराए पर रहते थे। तो सभी साथियों से बात हुई, लगभग पिछले 1 हफ्ते पहले मुझे टेलीफोन आया
कि भाई मिल नहीं रहा है और उसका फ़ोन नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, जबकि कभी कभी मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, तो उस बात को बहुत सीरियसली लिया हमारे सभी साथियों ने। और कई लोगों से बात हुई, जैसे राजीव बालियान हमारे मित्र हैं, उनसे 6 तारीख को बात हुई, सबसे आखिरी बात लगभग उन्हीं से हुई। 2 महीने से डॉक्टर अंकित कोकर जो है वो लापता थे, और जब उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो हम जो मित्रगण थे सब ने सलाह मशवरा करके जो है उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी मोदीगढ़ थाने में। तो पुलिस के द्वारा जो जांच हुई है उसमें ये सामने आ रहा है कि अंकित खोकर की जो है वो हीनीय तरीके से जो है जघन्य तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है, उनके शव को जो है वो नहर में फेंक दिया गया है। अलीगढ़ में पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने गौ रक्षकों को गौर तस्कर बता दिया, जिसके विरोध में प्रधान संगठन व्यापार मंडल और ब्राह्मण संगठन ने मोर्चा खोल दिया। तो वहीं तीनों संगठनों ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शकुंतला भारती को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। प्रधान प्रतिनिधि और भाजपा के मंडल कार्यालय प्रभारी ने कहा कि गौ रक्षकों को गौ तस्कर बताने वाले अगर पार्टी में रहेंगे तो पार्टी से लोग नाता तोड़ देंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिगंबर सिंह। किस मामले को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जो बिक्की पंडित जरवाली धूम सिंह के साथ में गौ रक्षक के उसमें हुआ है, उसके केस के बारे में। क्या मामला हुआ? गांव से गौ वंश को परमिशन लेकर के और गौशाला में छोड़ने जा रहे थे, उनका जो शकुंतला भारती ने मुकदमा जो कायम करवाया है वो गलत करवाया है, उसे वापस लें, इसके लिए हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है कि इस वापस लिया जाए, शकुंतला भारती माफ़ी मांगे। कौन कार्यकर्ता थे? जरौली। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम विवेक भारद्वाज और विक्की पंडित। किस पद पे हैं? मैं युवा मोर्चा से मंडल कार्यालय प्रभारी हूँ और प्रधान प्रतिनिधि भी हूँ जरौली धूम सिंह का। किस तरह का धरना प्रदर्शन, किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन गौवंशों को लेकर शकुंतला भारती के विरुद्ध है। हम चिकित्सा अधिकारी के परमिशन लेकर गौवंशों को लेकर, मैं और मेरा साथी रामकुमार आर्य नादा बाजितपुर गौशाला लेकर जा रहे थे। रास्ते में DPS पब्लिक स्कूल के सामने बजरंग दल और RSS के कार्यकर्ताओं ने हमारी गाड़ी को रोका और शकुंतला भारती को इन्फॉर्म किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।